सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, 5:23 हो रहे हैं। मैंने जो है टेल बैग और टैंक बैग माउंट कर दिया है बाइक पे। अब मैं निकल रहा हूँ नासिक के लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माई जर्नी टुवर्ड्स नासिक। सनराइज है, अभी बज रहे हैं सुबह के नियर अबाउट 7:30। मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू करूंगा मेरी जर्नी को नासिक की तरफ। ये रही मेरी बाइक, एकदम मस्त लगती है, मस्त आदमी है ये बाइक एकदम। मुझे कुछ बैक पेन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ बाइक, देखता हूँ कैमरा वैमरा सब सही से सेट है क्या। सब तो सेट है सही से भाई, सेट है। चलो चलते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे नासिक की ओर। मैंने अब लगभग लगभग आधा रास्ता पार कर लिया है। आगे जाके एक होटल गुरुदेव करके आता है जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, तो आज मैं वहाँ पे ही रुकूंगा, वहाँ चाय वाय पीऊंगा थोड़ा ताकि एनर्जी आए। अब फिलहाल तो यहाँ पे तो काफी ठंड है। मैं वाइजर अभी खुला है मेरा, मैं अभी वाइजर बंद कर रहा हूँ हेलमेट का। अब हम आराम आराम से 40-50-60 की स्पीड पे जाएंगे, बातें करेंगे। तो मुझे एक्चुअली कुछ काम है थोड़ा पर्सनल नासिक में, तो इसके लिए मैं नासिक जा रहा हूँ। मैं निकला हूँ सुबह घर से 5:30, आपने वीडियो में पहले देखा होगा। सोचा कि थोड़ी आप लोगों से बात की जाए हाईवे पे। तो जो सनराइज है ना, बहुत सही है। ये जो ग्लव्स है लेदर के है, मैंने कल भी बोला था कि इन ग्लव्स को ठंड लग गए तो मेरे हाथों को ठंड लग जाएगी। मेरे हाथों को काफी ठंड लगी है। जैकेट में तो इतना नहीं लगाया मैंने, टूरिंग वाला जैकेट विद थर्मल पहना है। तो आराम आराम से चल रहे। अभी पीछे एक कंटेनर था, बहुत बड़ा कंटेनर था वो। होपफुली मैं रुकने के बाद भी उससे आगे ही हूँ। शायद ये है होटल गुरुदेव। यहाँ पे अपूर्व कामत थे। ओके, तो ये होटल गुरुदेव जो है ये आ गया है। मुझे बस आप लोगों को यहाँ तक साथ ले आना था ताकि हम लोग जाके चाय वाय पिए और फिर वहाँ से आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। तो अब मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ कुछ देर के लिए, मुझे एक ब्रेक चाहिए। पानी वानी पियेंगे, चाय वाय पियेंगे थोड़ा। भूख तो वैसे लग नहीं रही है, बट फिर भी एक वेट करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा होटल गुरुदेव। बाइक पार्क कर देता हूँ यहाँ पे। हे गाइस, सो मैं रुका था होटल गुरुदेव पर। सो ये आई थिंक सो आई फाटा के 4 किलोमीटर आगे है। अगर आप भी पुणे से नासिक या फिर नासिक से पुणे जा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो टेक अ हॉल्ट हियर एट होटल गुरुदेव। यहाँ पे इनके पास बड़ा सा एक हॉल भी है ऊपर पार्टीज के लिए, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह अच्छा होता है, और यहाँ पे बसेस भी रुकते हैं। तो उससे होता क्या है कि मान लो आपकी गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई तो यू कैन ऑलवेज कम टू दिस प्लेस होटल गुरुदेव। यहाँ से आपको बस वगैरह मिल जाएगी, और बाजू में इनका पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप भी मैं दिखा देता हूँ इनका। ये देखो, ये जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, शायद ये भी इन्हीं का है। तो यहाँ पे जो काका बैठते हैं काउंटर पे, उन्होंने मुझे बताया कि ये पेट्रोल पंप भी उनका ही है। तो ये भी मुझे नहीं पता था, मेरे लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो हर बार मैं जब भी आता हूँ पुणे से नासिक या फिर नासिक से पुणे, सो आई ऑलवेज टेक हॉल्ट एट होटल गुरुदेव। इनके लिए पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, और इसके वो साइड में जो है उसके बोर्ड के उस साइड पे बसेस खड़ी होती है। सो ये रहा अपना यस डे एडवेंचर। तो करते हैं अपना जर्नी कंटिन्यू टुवर्ड्स नासिक। सी यू ऑन द बाइक। तो मैं करने जा रहा हूँ मेरा सिग्नेचर मूव, और ये मैं पहन रहा हूँ ग्लव्स। ओके, और एक मेरा सिग्नेचर डायलॉग जो है वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा बाइक जो है एकदम मस्त आदमी है।
तो इसी तरीके से कुछ हम अब आगे बढ़ते हैं। आहा, एकदम मस्त स्टार्ट हो जाती है एसडी एडवेंचर। हेलमेट का जो बकल है वो लगा लिया है क्या मैंने? हाँ लगा तो लिया है। चलो चलते हैं फिर। अरे यार फर्स्ट गियर डाला ही इसने अपन ने। अच्छा तो धूप पड़ रही है तो इससे क्या होगा? अरे ये वो देखो बड़ा वाला कंटेनर फिर से मिल गया। फिर से वही बड़ा वाला कंटेनर मिल गया। हेलो कहाँ जा रहे हो? मैं भी नासिक ही जा रहा हूँ। हाय बोल दो ऑडियंस को, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, हाय बोल दो। चालू है अभी, जस्ट चालू किया। चलो मेरा चैनल का नाम क्या? मोटो एवीएस, मोटो एवीएस 2.0। मेरा नाम आशय। कहाँ से? पुणे से? अच्छा पुणे में, मतलब पुणे से नासिक जा रहे हो क्या? ओके हाँ हाँ चलो मैं निकलूँ। चलो गाइस, तो मैं ट्रैवल कर रहा था पुणे से नासिक, तो मुझे एक बड़ा सा ये सामने से आता हुआ कंटेनर दिखा। तो उसे दिखाने के लिए मैंने बाइक रोका है साइड में। ये देखो कितना बड़ा कंटेनर है। थोड़ा पीछा जाता हूँ रोड से अभी। देखो कितना बड़ा कंटेनर है जो रोड से जा रहा है। ये देखो कितना विशाल का कंटेनर है, अभी आएगा देखो कितना बड़ा है। देखो दोनों लेन घेरे चल रहा है मस्त। भाई साहब ये तो पेड़ से टकराने वाला है। ये देखो ये पेड़ से तो टकरा के चला गया। चलो ये देखो कैसे जा रहा है ये कंटेनर। So I have reached Nashik, so I need to pull out this luggage. तो यहाँ पे जो एक स्ट्रैप था मेरा तो वो मैंने निकाल दिया है ब्लू वाला। मुझे सारा लगेज निकालना है। तो दिस इज़ हाउ माई बाइक लुक्स फ्रॉम दिस एंगल। सो इट टुक मी लाइक नियर अबाउट 5 hours 15 minutes टू रीच टिल नासिक। सो ऐसा था, जब मैं नासिक से वापस पुणे जाऊँगा तो पार्ट टू में मिलते हैं। जाने से पहले मुझे जो माइलेज है वो शो कर रहा है अभी 38 के अराउंड, 38-39 कुछ शो कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड माइलेज, मतलब कंपेयर टू व्हाट आई वाज गेटिंग ऑन माय एक्सपल्स, ये काफ़ी अच्छा माइलेज है एट द स्पीड्स विच आई हैव रिडन माय एसडी टुडे। सो 38 इज़ रियली अ गुड माइलेज फॉर अ 300+ cc बाइक जस्ट हैविंग क्रूजिंग स्पीड ऑफ 180। ये स्पीड पे अच्छा माइलेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।